हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सीएस ऋतु। आज का वीडियो है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल पे। आज के इस वीडियो में हम बीपीसीएल का डिटेल एनालिसिस करेंगे, कंपनी के बिजनेस को समझेंगे, कंपनी के फंडामेंटल्स को समझेंगे। इसके अलावा कंपनी ने जो 21 रुपए का डिविडेंड दिया है वो शेयर होल्डर्स को कब तक क्रेडिट होगा ये भी जानेंगे। एंड शॉर्ट टर्म में चार्ट के हिसाब से स्टॉक क्या लेवल दिखा सकता है एंड लॉन्ग टर्म टारगेट स्टॉक के लिए एनालिस्ट ने क्या दिए हैं ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। शेयर की अगर बात करें, शेयर करंटली 439 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। आज स्टॉक में 2.35% की गिरावट आई है, बिकॉज आज मार्केट में ही हैवी करेक्शन हमने देखा है, इसी वजह से ये स्टॉक भी गिरा है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बीपीसीएल का डिटेल एनालिसिस। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस की अगर बात करें, बीपीसीएल एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो क्रूड ऑयल के रिफाइनिंग और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है। बीपीसीएल इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। कौन सी है इंडिया की लार्जेस्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको इस वीडियो के एंड में। एंड रिफाइनिंग कैपेसिटी के टर्म्स में अगर देखें तो बीपीसीएल इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ रिफाइनिंग कैपेसिटी। इंडिया की टोटल रिफाइनिंग कैपेसिटी में से 13.9% का शेयर बीपीसीएल का है। इसके अलावा टर्नओवर बेसिस अगर देखें तो ये इंडिया की 6th लार्जेस्ट कंपनी है टर्नओवर के हिसाब से। अगर हम देखें, इस कंपनी को महारत्न का स्टेटस ग्रांटेड है। सितंबर 2017 में बीपीसीएल को महारत्न का स्टेटस ग्रांट हुआ था। कंपनी ने 1.2 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन का माइलस्टोन भी अचीव किया था नवंबर 2019 में। इसके अलावा रिफाइनिंग कैपेसिटी टर्म्स में अगर देखें तो बीपीसीएल की रिफाइनिंग कैपेसिटी है अराउंड 35.3 MMT। इसके अलावा मार्केट सेल्स देखें तो मार्केट सेल्स है 48.92 MMT। बीपीसीएल के एसेट पोर्टफोलियो की अगर बात करें, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन में कंपनी की अपस्ट्रीम प्रेजेंस है 6 कंट्रीज में, जैसे कि रशिया, ब्राजील, मोजम्बिक, यूएई, इंडोनेशिया और इंडिया। रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, कंपनी की 3 रिफाइनरीज हैं जो कि स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हैं, जिनकी कैपेसिटी 35.3 MMT की है। मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कंपनी की 83 रिटेल डिपो हैं, 53 एलपीजी बॉटलिंग प्लांट हैं, 61 एविएशन सर्विस स्टेशन हैं एंड 4 ल्यूब ब्लेंडिंग प्लांट्स हैं। पाइपलाइन नेटवर्क की बात करें तो कंपनी का 2599 किलोमीटर का प्रोडक्ट पाइपलाइन नेटवर्क है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें, कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को 21142 रिटेल आउटलेट्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करती है और 6245 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। कंपनी के 9 स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैं और कंपनी की अराउंड 24 सब्सिडरीज एंड ज्वाइंट वेंचर है। टोटल एम्प्लॉयज हैं इस कंपनी के अराउंड 8626। रिफाइनिंग में बीपीसीएल का 14.13% का इंडिया का मार्केट शेयर है। रिटेल में 27.2% का कंपनी का मार्केट शेयर है। एलपीजी में 27.3% का मार्केट शेयर है। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल में करंटली 8000 से भी ज्यादा कंपनी के कस्टमर्स हैं। एविएशन में 23.4% का कंपनी का मार्केट शेयर है। लुब्रिकेंट में 22.5% का मार्केट शेयर है और गैस सेगमेंट में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्लेयर्स के साथ कंपनी का अराउंड 29% का मार्केट शेयर है, अपनी जेवीज को इंक्लूड अगर कर दें। सो रिफाइनिंग की अगर बात करें, बीपीसीएल की करंटली टोटल 3 रिफाइनरीज हैं। पहली रिफाइनरी है मुंबई रिफाइनरी। ये रिफाइनरी कमीशन हुई थी 1955 में। जब ये रिफाइनरी कमीशन हुई थी तो इसकी कैपेसिटी 2.2 MMTPA की थी। करंट कैपेसिटी इस रिफाइनरी की 12 MMTPA की है। सेकेंड रिफाइनरी है कोची रिफाइनरी। ये रिफाइनरी स्टार्ट हुई थी 1966 में। तब इस रिफाइनरी की कैपेसिटी 50,000 BBL पर डे की थी। करंटली ये लार्जेस्ट PSU रिफाइनरी है और करंट कैपेसिटी है इस रिफाइनरी की 15.5 MMTPA की। एंड थर्ड रिफाइनरी है बीपीसीएल की बीना रिफाइनरी। बीना रिफाइनरी मर्ज हो गई थी बीपीसीएल के साथ 1 जुलाई 2022 से। इस रिफाइनरी की करंट कैपेसिटी है 7.8 MMT की। सो ये बीपीसीएल का कंप्लीट बिजनेस है। 3 रिफाइनरीज हैं कंपनी की। इसके अलावा भी कंपनी के बहुत सारे बिजनेस हैं। मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे इंडिया में कंपनी का फैला हुआ है। सो करंटली स्टॉक के फंडामेंटल्स की अगर बात करें, स्टॉक करंटली 439 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई का लेवल 482 रुपीज का है, लो का लेवल 314 रुपीज का है। बुक वैल्यू है 327 रुपीज का। सो बुक वैल्यू से स्टॉक थोड़ा ही ऊपर ट्रेड कर रहा है जो कि स्टॉक को अट्रैक्टिव बना देता है। इसके अलावा अदर वैल्यूएशंस की अगर बात करें, स्टॉक का करंट पी है 3.29 का और इंडस्ट्री का पी है 5.32 का। सो इंडस्ट्री के हिसाब से स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है। इसके अलावा मार्केट कैप की बात करें तो करंट मार्केट कैप है 95,273 का। डिविडेंड यील्ड अच्छा है इस कंपनी का, 4.75% का बीपीसीएल का डिविडेंड यील्ड है। ROC एंड ROE कम है, 6.86 एंड 6.34 का ROC एंड ROE है बीपीसीएल
BPCL का। इसके अलावा फेस वैल्यू 10 रुपीज का है, सो स्टॉक में स्प्लिट भी हो सकता है, अभी स्प्लिट स्टॉक में नहीं हुआ है। इसके अलावा प्रमोटर 53% इस कंपनी में स्टेक होल्ड करते हैं, मेजर प्रमोटर गवर्नमेंट है, प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज्ड नहीं है, डेट टू इक्विटी है 0.79 जो कि फेवरेबल है, बहुत ज्यादा नहीं है। डेट टू इक्विटी अगर 1 से ज्यादा होता है तो उसको ज्यादा माना जाता है, उसको रिस्की माना जाता है। सेल्स ग्रोथ 4% से हो रहे हैं, प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की अच्छी हो रही है। रिसेंट अनाउंसमेंट इस कंपनी से रिलेटेड जो हुए हैं उनकी अगर बात करें तो कंपनी ने 19 दिसंबर यानी कि कल की एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि कंपनी पॉलीप्रोपाइलीन यूनिट सेटअप कर रही है। BPCL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कल की एक्सचेंज फाइलिंग में पॉलीप्रोपाइलीन यूनिट सेटअप करने के प्रपोजल को अपना अप्रूवल दिया है। कंपनी ये पॉलीप्रोपाइलीन यूनिट सेटअप करेगी अपनी कोची रिफाइनरी में और इस यूनिट में पॉलीप्रोपाइलीन का प्रोडक्शन होगा। इस प्रोजेक्ट की ग्रॉस प्रोजेक्ट कॉस्ट है अराउंड 5044 करोड़ की। इस प्रोजेक्ट की अदर डिटेल्स की अगर बात करें, इस प्रोजेक्ट में प्रपोज कैपेसिटी एडिशन होगा अराउंड 400 किलो टन पर एनम का प्रोपाइलीन के प्रोडक्शन का। इस प्रोजेक्ट के अंडर ये प्रपोज कैपेसिटी एडिशन हो जाएगा approximately 46 months from the date of investment approval. इस प्रोजेक्ट को इन्वेस्टमेंट का अप्रूवल मिला है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कल 19 दिसंबर को। सो 19 दिसंबर से विद इन 46 months तक ये कैपेसिटी एडिशन हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट है 5044 करोड़ का, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट इतना कंपनी ने बताया है कल की एक्सचेंज फाइलिंग में। इस प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग होगी डेट और इक्विटी के थ्रू। डेट का पोर्शन होगा 65% और इक्विटी का पोर्शन होगा 35%। कंपनी इस प्रोजेक्ट को कर रही है पॉलीप्रोपाइलीन यूनिट सेटअप कर रही है बिकॉज इसकी एप्लीकेशन डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज में होती है जैसे कि पैकेजिंग फिल्म्स, शीट्स, बॉक्सेस, कंटेनर, बैग्स, होमवेयर। एंड BPCL के डिविडेंड की अगर बात करें, कंपनी ने 21 रुपीज पर शेयर का इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर किया था। इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट 12 दिसंबर 2023 थी। अब शेयर होल्डर्स को वेट है इस डिविडेंड की पेमेंट के क्रेडिट होने का। इस डिविडेंड की पेमेंट क्रेडिट या तो अभी तक आपको हो चुकी होगी या फिर नेक्स्ट वीक में इस डिविडेंड की पेमेंट आएगी, क्योंकि BPCL ने इस डिविडेंड की पेमेंट क्रेडिट डेट बताई है ऑन और बिफोर 28 दिसंबर 2023। सो आप में से किस किस को डिविडेंड क्रेडिट हो गया है कमेंट करके हमें जरूर बताइए। मेरा एक्सपेक्टेशन है नेक्स्ट वीक BPCL का डिविडेंड आना चाहिए। यहाँ से BPCL के स्टॉक के लिए शॉर्ट टर्म लेवल क्या मुझे नजर आते हैं एंड लॉन्ग टर्म टारगेट एनालिस्ट ने स्टॉक के लिए क्या दिए हैं, ये जानने से पहले कंपनी के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को भी जान लेते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। सो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें, अपस्ट्रीम सेगमेंट में कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है मोजम्बिक और ब्राजील में। गैस सेगमेंट में कंपनी अराउंड 25 ज्योग्राफिकल एरियाज डेवलप कर रही है। मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंपनी अपना इंप्रूव कर रही है। कंपनी ऑल बिजनेस वर्टिकल में अपना मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर रही है। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल सेगमेंट में कंपनी अराउंड 1.2 MMTPA का एथिलीन क्रैकर सेटअप कर रही है बीना रिफाइनरी में। पाइपलाइन सेगमेंट में कंपनी LPG पाइपलाइन सेटअप कर रही है कांडला से गोरखपुर अपनी JVs के थ्रू। इसके अलावा कंपनी रिन्यूएबल सेगमेंट में अराउंड 50 मेगावाट के विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स कर रही है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। सो ये कंपनी के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। स्टॉक के लिए क्या लेवल्स मुझे नजर आ रहे हैं ये भी जान लेते हैं। ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है करंटली, स्टॉक ने अच्छी तेजी दिखाई है। स्टॉक ईयर टू डेट 31% तक बढ़ चुका है, लास्ट 6 महीने में स्टॉक 18% तक बढ़ा है। इस तेजी के बाद से अब ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। स्टॉक अगर यहाँ से बढ़ता है तो स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करेगा 465 के लेवल पे, ऐसा मुझे लगता है। स्टॉक अगर गिरता है तो मल्टीपल सपोर्ट है स्टॉक के लिए। पहला सपोर्ट मुझे 442 के लेवल पे दिखता है, दूसरा सपोर्ट 429 के लेवल पे एंड तीसरा सपोर्ट 419 के लेवल पे। सो 419 से नीचे की क्लोजिंग अगर स्टॉक में आती है तो फिर हमें स्टॉक में कॉशियस होना होगा, फिर ये स्टॉक और गिरावट दिखा सकता है। स्टॉक अगर गिरता है तो क्या नेक्स्ट लेवल दिखा सकता है 419 के बाद, इस पे भी हम आपको अपडेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो बना के। सो ये था हमारा डिटेल वीडियो BPCL पे, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लार्जेस्ट OMC कंपनी की अगर बात करें तो लार्जेस्ट OMC कंपनी है IOC लिमिटेड। देखिए आप में से कितने लोगों का आंसर सही है। सो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।